जो लड़की लड़कों से गले मिल रही है, ईद मिल रही है, और वो किसी दूसरी जगह पे गई जाकर उसने वहाँ ऐलान किया कि मैं यहाँ आई हूँ, जो मुझसे ईद मिलना चाहता है आगे मुझसे ईद मिले, ये वो गलत काम कर रही है। ये शरीयत में, मजहब में, इस्लाम में कतल हराम है, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल हराम है। जो लड़के मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, टोपी वाले भी हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग मिल रहे हैं, वो कतल हराम है, नाजायज़ है। किसी औरत का किसी मर्द से ईद मिलना बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दे दी। हाँ, औरतें आपस में मिल सकती हैं, लड़की लड़की मिल सकती है, लड़का लड़की नहीं मिल सकता। इस तरीके से मिलना कतल हराम है। और फिर वो लड़की जवान लड़की है, सिनेमा हॉल के बाहर आके ऐलान के साथ सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से लाइन लगा के लोग उससे मिल रहे हैं, इससे तो शहर में फसाद बर्पा हो सकता है। वो लड़की गुंडागर्दी कर रही है, प्रशासन को ये चाहिए था कि फौरन उसके खिलाफ मुकदमा कायम करें, उसे जेल भेजें। इसलिए कि अगर कोई लड़का उसे ज़रा दबा लेता या और छेड़छाड़ कर देता तो कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये दो तीन लड़कियां प्लानिंग करके आई थी, इन लड़कियों ने प्लानिंग बनाई, शरीयत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। ईद मिलने का, मिलने के लिए फरमाया गया मर्द मर्द से ईद मिले, उसके लिए सवाब है, बेहतर है, लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मर्द मर्द मिले तो मिल सकते हैं, औरत मर्द मिले ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए शरीयत ने या इस्लाम ने कतल इजाज़त नहीं दी। कतल गलत किया है, जो मौलाना बदाइयों से है उन्होंने जो उसे हराम बताया है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उनका कौल बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। इन लड़कियों का अमल कतल गलत है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, और ये शहर के लिए नुकसानदेह है। आने वाले वक्त में भी कोई लड़की अगर ऐसा अमल करती है तो प्रशासन से मैं अपील करूंगा बहसत जिला इमाम होने के नाते कि ऐसी लड़कियों के खिलाफ मुकदमा कायम होती है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। क्या शरीयत में ऐसे के लिए कोई कानून है? शरीयत में कानून है, शरीयत में तो बहुत सख्त कानून है, लेकिन चूंकि यहाँ शरई कानून लागू नहीं हो सकता, यहाँ शरीयत का कानून हम अगर चाहें कि मुफ्ती शरा या काजी शरा शरीयत का कानून लागू करता है, अगर शरीयत का कानून लागू करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए कि यहाँ हमारे जो भारत का कानून है वो लागू होगा। भारत के कानून के मुताबिक भी कोई लड़की आम लोगों से इस तरह गले नहीं मिल सकती।